रौनक लग गई है। क्या बिकवानी है आपको? कुछ विश नहीं है, बस माँ आई है हमारे पास और हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं, तो यही हमारी एक अपने आप में विश पूरी हो गई है। और मैं ये चाहती हूँ कि माँ हम सबको आशीर्वाद देके जाए, और स्पेशली आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, हमारे बेबी का बर्थडे है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सुनने के लिए हम लोग। सो पहला वाला क्वेश्चन और आपका भी क्वेश्चन है, मैं आपको कैमरा यहाँ सेटअप करना चाहिए था, जो हमारी पंडाल की ब्यूटी है वो अच्छी तरह से प्लीज दिखाई है, क्योंकि ये कारीगर जो है ये कलकत्ता से आए थे, और जो आर्टिस्ट है जिन्होंने मूर्ति बनाई, मूर्ति भी हमारी कलकत्ता से आई है, गंगा मिट्टी की बनी हुई है हमारी माँ, और बहुत सारी मेहनत लगी है, 2 से 3 महीना लग गया था पूरी तरह से इसे बनने में, और इसके पीछे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये जो आर्ट वर्क आप देख रहे हैं बहुत डिटेल्ड है, और आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टोन में कार्व्ड है ना, तो ये लुक एंड फील देने के लिए बहुत समय लगता है। और मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी सी पंडाल की बारीकियों को दिखाइए, ताकि लोग आएँ और देखें और इसका मज़ा लें, क्योंकि हम लोग ने पहली बार कोशिश की है, जैसे कि आपने कहा 9 महीने हमने मेहनत की है कि आप लोगों को कलकत्ता से एक झलक दिखा सके वहाँ के पूजा की कि कैसा होता है। सर, आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा, क्योंकि आप नॉन बंगाली हो और हर चीज़ें सीखना और उन लोगों को बताना, और जैसे मैंने देखा अभी पूजा मैम तो नहीं प्रेजेंट थी, बट आप हर एक पर्सन को ला रहे हो, गेस्ट आ रहे हैं उन्हें समा रहे हो, मुझे 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 सारे गेस्टों के लाने के पैसे मिले हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ, स्पॉन्सर्स ने पैसे दिए हमें बहुत सारे। नहीं नहीं बट यार ऑफकोर्स यार, क्योंकि कुछ काम ये आज इसलिए भी नहीं कर पा रही बिकॉज मैडम ने घाघरा गोगो जी का पहना हुआ है, गोगो जी का नहीं अलग ही घाघरा है, सो इसलिए शी कांट वॉक, और ये 2 दिन से सोई नहीं है, सो इसलिए मैं 4 घंटा सोया हूँ, हाँ, तो इसलिए मेरे में थोड़ी सी एनर्जी, इसलिए मैं कर रहा हूँ, और जितना हो मैं जैसे ये बोलती है आई एम अ गुड होस्ट, सो मैं पूरी तरह से यू नो कोशिश करता हूँ कि जो भी यहाँ पर आए मैं उसे अच्छे से वेलकम करूँ। और हमारे इतने आज खास खास मेहमान आए हैं, अभी अमृता फडणवीस मैम आई थी, और आज भी नितिन मुकेश आने वाले हैं, राहुल वैद्य आ रहे हैं, जसविंदर नरूला जी आ रही है, और हमारी स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाली है, प्रीति पिंकी गरबा नाइट कराने वाली है, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैंने इसीलिए आज लहंगा पहना है। बहुत में लहंगे में नाचूंगी पिंकी रिची एंड पिंकी बन के आई हूँ मैं, बट मैं हाँ मतलब एक जगह खड़े खड़े गरबा करूँगी। बिल्कुल, हमारे जो लाइटिंग जो की है हमारे नूर भाई ने की है, तो आप समझ सकते हैं कि सारे लोग ही मिले हुए हैं, तो यहाँ पर कोई कास्ट क्रीड नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आ रहे हैं दिल से, जो भी हमारे वेंडर हैं वो भी जब बातें होते हैं ठीक है आप माता जी का करें हम आपको डिस्काउंट देते हैं, सो दिस इज़ हाउ इंडिया वर्क्स, यू नो यहाँ पे लोग दिल से शिद्दत से और रिलीजन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं और साथ में मिलकर काम करते हैं, तो हम सभी का वही धन्यवाद करेंगे दिल से तहे दिल से कि आप सब लोग आएँ और हम लोग का इतना साथ दिया है। और मैं तो चाहूँगा कि मुंबई में जितने भी लोग हैं जो नॉन हिंदू नहीं है वो भी आएँ और देखें, बिकॉज ये ब्यूटी है, दिस इज़ टू प्रेज एंड टू एक्चुअली बहुत मेजमराइजिंग है, तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि आप लोग आइए और इसे देखिए, क्योंकि मुंबई में पहली बार ऐसा पंडाल थीम लाए, सो आशा करता हूँ कि आप लोग सब आएँ। जय माता दी, थैंक यू, प्लीज़ संभालिएगा, वो फिलर टच हो रहा है बार बार थोड़ा सा, प्लीज़ डोंट टच इट, नहीं मैंने देखा 2 बार सा वो ऐसे, क्योंकि एक्चुअली वो क्या है ना वो फाइबर है ना, तो थोड़ा सा आराम से प्लीज़ डोंट टच इट, थोड़ा दूर रहिए, और ये थोड़ी लाइट्स वाइट भी थोड़ा ध्यान रखिए। आई थिंक आई एम डन यार, थैंक यू गाइस, थैंक यू।